अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा। बाढ़ के कई वर्षों के बाद संसार में बहुत से लोग रहा करते थे और उन्होंने फिर से परमेश्वर के और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया, क्योंकि वे सब एक ही भाषा बोला करते थे। इसलिए वे एक साथ इकट्ठा हुए और संसार को भर देने के परमेश्वर के आदेश के बजाय एक नगर को बनाया। वे बहुत घमंडी थे और उनको कैसा जीवन जीना चाहिए इस बारे में वे परमेश्वर के आदेश का पालन करना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसी मीनार को बनाना आरंभ किया जो स्वर्ग तक पहुँचेगी। परमेश्वर ने देखा कि अगर वे एक साथ मिलकर बुराई करते रहेंगे तो वे बहुत से पापी कामों को कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा को बहुत सी विभिन्न भाषाओं में बदल दिया और उन लोगों को सारे संसार में फैला दिया। जिस नगर को उन्होंने बनाना आरंभ किया था वह बाबेल कहलाया, जिसका अर्थ है गड़बड़ी। कई सौ वर्षों के बाद परमेश्वर ने अब्राहम नाम के एक मनुष्य से बात की। परमेश्वर ने उससे कहा, अपने देश और परिवार को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरा नाम महान करूंगा। जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा। तेरे कारण संसार के सारे कुल आशीष पाएंगे। अतः अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी। उसने अपने सारे सेवकों और अपनी सारी संपत्ति समेत अपनी पत्नी सारे को लिया और कनान देश को चला गया जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था। जब अब्राहम कनान पहुंचा तो परमेश्वर ने उससे कहा, अपने चारों ओर देख, मैं तुझे यह सारा देश दूंगा और तेरे वंशज हमेशा के लिए इस पर अधिकार रखेंगे। तब अब्राहम उस देश में बस गया। मलीकी सीदक नाम का एक पुरुष था जो सर्वोच्च परमेश्वर का याजक था। एक दिन जब अब्राहम युद्ध करने के बाद आ रहा था तो वह और अब्राहम मिले। मलीकी सीदक ने अब्राहम को आशीष दी और कहा, सर्वोच्च परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है वह तुझे आशीष दे। फिर अब्राहम ने युद्ध में जीती हुई सब चीजों का दशमांश मलीकी सीदक को दिया। कई वर्ष बीत गए परंतु अभी भी अब्राहम और सारे के कोई पुत्र नहीं था। परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और फिर से प्रतिज्ञा की कि उसका एक पुत्र उत्पन्न होगा और जैसे आकाश में तारे हैं वैसे ही उसके बहुत से वंशज होंगे। अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। परमेश्वर ने घोषणा की कि अब्राहम एक धर्मी जन था क्योंकि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया था। तब परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी। सामान्य रूप से एक वाचा दो दलों के बीच में एक दूसरे के लिए कामों को करने का एक समझौता होता है। परमेश्वर ने अब्राहम से वह प्रतिज्ञा तब की थी जब अब्राहम सो रहा था, परंतु वह तब भी परमेश्वर को सुन सकता था। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे शरीर से उत्पन्न करके तुझे तेरा एक निज पुत्र दूंगा। मैं तेरे वंशजों को यह कनान देश देता हूँ। परंतु अभी भी अब्राहम को कोई पुत्र नहीं था।